बहुत सारी चीजें हम अगर बाहर से खाना ऑर्डर करना, क्या इस टाइम अवॉइड करना चाहिए और फूड? अगर अगर आप अगेन अगर बहुत ज्यादा फिनिकी हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं इन सब चीजों को लेके कि बाहर से वायरस आपके घर में ना आ जाए इन खाने के थ्रू, खाने से ज्यादा जो भी डिलीवरी करने आ रहा है अगर उसके कांटेक्ट में आप बहुत क्लोजली आते हैं तो उस डिलीवरी बॉय के थ्रू आपके पास इन्फेक्शन, अगर वो इन्फेक्टेड है तो आने के चांसेस है, रादर देन कि वो जो खाना आया है उसके थ्रू। तो अगर आप बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली जो भी आई एम श्योर जो भी जो खाना डिलीवरी की सर्विसेज हैं वो अपने लेवल पे सारा ध्यान रख रहे हैं कि उनके स्टाफ हेल्दी हो, जितना कम लोग खाने को कांटेक्ट में आए उतना कम वो कोशिश कर रहे हैं। जो डिलीवरी भी वो कर रहे हैं वो नॉर्मली कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी हो रहा है कि वो एक प्री स्पेसिफाइड जगह पे रख के उसके बाद वो चले जा रहे हैं जिससे आप पिक कर रहे हैं, तो जिससे डिलीवरी बॉय से आप कॉन्टेक्ट में ज्यादा आने के चांसेस कम है। जो भी कंटेनर में आया है आप उसको डिस्कार्ड करके, उस खाना निकाल के डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर बहुत डाउट है तो खाने को रीहीट करके खा सकते हैं। अगर एक बार रीहीट किया तो डेफिनेटली अगर वायरस बाई चांस उसमें चला भी गया हो इंफेक्टेड आदमी के टच करने के चलते, तो भी उस रीहीट करने के बाद सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन जितने भी खाने डिलीवरी सिस्टम है वो इस बात का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली अपना खाना खुद बनाएं, बाहर के खाने पर भी रिलाई ना करें।